एक बार फिर हीर खान ने उगला जहर, देवी देवताओं के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, इस बार भाषण देना पड़ा भारी, सलाहों के पीछे पहुंची हीर खान, सस्ती लोकप्रियता पाने की चक्कर में बर्बाद कर ली पूरी जिंदगी। वैसे भी सबको पता है कल से हीर खान भगवानों की करना चालू कर दिया। अब कुछ ऐसे अंधभक्त है आदित्य सक्सेना जैसे, अमन कुमार राज जैसे, वो कहते हैं वीडियो डिलीट मत करना, पुलिस आने वाली। अबे ठीक है, 2 साल से कौन सी पहली बता अंधभक्त, तुम लोग कौन से निकले हो। चेहरे को चुन्नी से ढके इस महिला के जहनो दिल में इतना जहर है कि नाग भी पानी मांगते हैं। इस महिला ने सोशल मीडिया पर इतना जहर उगला कि अब ये सरकारी मेहमान बन गई और अब आगे की खातिरदारी इनकी सलाखों के पीछे हो रही है। खैर, इससे पहले कि हम इस जहरीली महिला से आपका तारुफ कराएं, आप जरा इस वीडियो को देखिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों होंगे ना, वैसे भी सबको पता है कल से हीर खान भगवानों की चालू कर दिया। अब कुछ ऐसे अंधभक्त है आदित्य सक्सेना जैसे, अमन कुमार राज जैसे, वो कहते हैं वीडियो डिलीट मत करना, पुलिस आने वाली। अबे ठीक है, 2 साल से कौन सी पहली बता अंधभक्त, तुम लोग कौन से निकले हो, अपनी अम्मा के कौन से ऐसे निकले हो, समझ में नहीं आता है। लगता है तुमने अपनी अम्मा निकले हो, भेजे का बल गिर गया, भेजे में फोड़े वाली चोट आ गई है। ठीक है, 2 साल तुम्हारे भगवानों की पे हम थक गए, चाहते ही हम पुलिस आए, हम चाहते हैं पुलिस केस हो, फिर उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। और हाँ औला दो, अब तुम ध्यान सुनो, भगवानों के साथ साथ अंधभक्तों की भी शुरू होगी, क्योंकि जो अंधभक्त है जो दूसरों की माँ बहन को गाली देते हैं, चाहे वो जिस धर्म की हो, जब जो सही बोलेगा जो ये इसको गाली देते हैं, तो उनकी माँ बहनों का ठेका सिर्फ हीर खान ने ले रखा है। इतनी बुरी बुरी तुम्हारी बहनों को गाली देंगे, इतनी बुरी बुरी तुम्हारी माँ को गाली देंगे। वैसे भी अंधभक्त कहते हैं कि हमारी माँ अगर मोदी से रात तो ये तो मेरी माँ का सौभाग्य होगा। फिर अंधभक्तों तुम्हारी माँ मारे, फिर तुम्हारा अब्बा क्या अपना झुंझुनाता रहेगा, ठीक है, तुम्हारी अम्मा जाए कहीं और, तुम्हारे अब्बा क्या तुम्हारी बीवी को रात दिन बैठ के, अपनी माँ की भी इज्जत ये लोग नहीं कर सकते। और हाँ, एक और है अमन कुमार राज, इसकी बहन का जो साड़ी से निकाल कर अपने कुत्ते से, मेरे कुत्ते का एवन है रावण अंकल से ज्यादा मस्त डॉगी का है, ऐसा दोबारा धमकी मत देना, समझ देना टाइम बिल्कुल भी नहीं जैसे। और हाँ, एक कुछ दोस्त है वो हमसे कहते हीर जी ये लोग इस्लाम गाली देते, जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो मेरे कमेंट डिलीट हो जाते, तो हो सकता हो जैसे फेसबुक ने एक मुहिम चलाई थी कि जो बीजेपी के जो नेता हैं जो भिकाऊ मतलब भड़काऊ भाषण देते उनका स्पीच वायरल करना, हो सकता हो यूट्यूब भी ऐसा कोई खेल खेल जाओ इस्लाम पे गाली आना तो, और जब मुसलमान रिप्लाई करते हैं तो उनका कमेंट डिलीट हो जाना, हो सकता हो फेसबुक की तरह यूट्यूब भी ऐसा कोई खेल खेल रहा है। 3 मिनट के वीडियो में हीर खान नाम की इस महिला ने इतना जहर उगला कि देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और आखिरकार प्रयागराज पुलिस ने हीर खान को गिरफ्तार कर ही लिया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हीर खान की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। हीर खान को जैसे ही पता चला कि पुलिस का शिकंजा कसने वाला है, वैसे ही वो फरार हो गई, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हीर खान अब सलाखों के पीछे है और यकीनन उसे कानून सजा जरूर देगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साबित हो गई, इस वक्त कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि उनकी जुबान से निकली ये बातें समाज के लिए जहर है और आपसी सौहार्द को पूरी तरह खत्म कर रही है। लिहाजा न्यूज टाइम नेशन की अपील है कि हीर खान जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए,
ताकि इस तरह भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एक सख्त नजीर पेश की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।